बक्सर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अश्विनी चौबे का भारी जीत का परिणाम आते ही लोगों ने अपना सुध-बुध खो दिया। इसके अलावा पूरे बक्सर क्षेत्र में हर एक चौक चौराहे पर मोदी मैजिक का जादू देखने को मिला। इस भारी जीत पर अश्विनी चौबे ने कहा कि यह जीत बक्सर की जनता की जीत है। शर्माग लाइफ के लिए बक्सर से धीरज कुमार के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। ये विजय बक्सर की जनता का विजय है। मैं बक्सर की जनता का और समस्त अपने शुभेच्छु और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ हमें विजय दिलाने में, सफलता हासिल करने में हमें सहयोग किया। और विशेष करके मैं अपने लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनके अटल विश्वास और जिनके परिश्रम के कारण पूरे देश में ये सफलता मिली और यह विजय श्री हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार ने विकास का काम किया और साथ ही उनके कुशल नेतृत्व के साथ श्री अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कुशल प्रबंधन ने इस विजय को संपूर्ण देश में इतनी बड़ी विराट विजय सचमुच में जनता का जो आशीर्वाद मिला है हम सब लोगों के लिए, यह आशीर्वाद जो कर्तव्य के रूप में हमें उसे आगे भी इस आशीर्वाद को बनाए रखना है। और इसी विश्वास के साथ हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि बक्सर की जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से इस आशीर्वाद को विश्वास के रूप में परिणत करते रहेंगे, विकास की धारा को बहाते रहेंगे और मिल बैठ करके यहाँ की समस्याओं के समाधान करने के लिए संकल्पित रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब बक्सर एक नया बक्सर, बक्सर को सजाने का संवारने का जो दायित्व दिया है उस कर्तव्य का निर्वहन हम मिल करके करेंगे, सबका साथ सबका विकास। हमारे नेता जो कहते थे वो हुआ, हम सब लोगों ने कहा था कि बिहार में हम छक्का लगाएंगे, दुर्भाग्य से बहुत तकनीकी त्रुटि के कारण एक छूट गया, नहीं तो 40 के 40 हम छक्का लगा चुके हैं। वो स्थिति क्या है आप जानते हैं किशनगंज की, तो ये इतनी बड़ी विजय जनता ने दिया है। मुझे लगता है नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे नीतीश कुमार जी और श्री रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी, ये सभी मिल करके हम लोगों ने बिहार में छक्का लगाने का काम किया है। ये बिहार की जीत सबसे बड़ी जीत, मुझे लगता है देश में अगर सबसे बड़ी जीत कहा जाए तो बिहार की जीत उस पंक्ति में आती है।